सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद सवाई माधोपुर की ओर से आयोजित सरस क्राफ्ट मेले में परंपरा, कला, शिल्प एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिक्री के लिए लगे हुए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस मेले में गणेश स्वयं सहायता समूह सवाई माधोपुर की स्टॉल, मेले में जूट के उत्पादों की स्टॉल लोगों को खासी लुभा रही है। गणेश स्वयं सहायता समूह की पूजा ने बताया कि उन्हें बचपन से जूट के उत्पाद बनाने का शौक था। शादी के बाद घर संभालने के लिए उनका ये शौक रोजगार में बदल गया और पति का हाथ बटाने के लिए ये काम करने लगी और आज इससे अपने परिवार की आजीविका चला रही है। पूजा ने बताया कि मेले में आने वाले लोग जूट के उत्पादों को देखकर सराहना कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वास्तव में बहुत ही सुंदर सामान बनाए गए। जूट के उत्पादों को लेकर लोगों के अलग अलग विचार भी निकल के आ रहे हैं। ऐसे में पूजा ने बताया कि काफी बिक्री हो रही है। मेरा नाम पूजा साक्या है। मैंने सरस मेले में दुकान लगा रखी है। अच्छा, ये जो राजीविका की तरफ से दुकान लगा रखी है, पहले भी कहीं आपने दुकान लगाई है? नहीं सर, पहली बार ही लगाई है यहाँ पर। मेरे घर से रिटेल में माल जाता था बनके। ये कौन से स्वयं सहायता से? ये गणेश समूह से। क्या आपने कहीं से सम्मानित हुई हो? नहीं। ये काम आपने कहाँ से सीखा? ये काम काफी साल पहले से मैं अपने मतलब पियर में अपने मायके में शादी से पहले मुझे शौक था हस्तकला का, हैंडीक्राफ्ट का, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। फिर इधर आके मैंने सीखा है थोड़ा बहुत। और इस काम से आपका परिवार का खर्च चल जाता है? हाँ, बच्चे छोटे छोटे थे जब मैं इसी काम से अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। और ये दुकान जो आप समूह के द्वारा लगाई है, स्वयं की है समूह की है? ये स्वयं मेरे प्रोजेक्ट है, लेकिन दुकान का किराया नहीं देना पड़ा, समूह की तरफ से मिली है फ्री। कितने साल से आप इसके सामान बना रही हैं? मैं 2015 से बनाती हूँ। और राजीविका से कैसे जुड़ी आप? राजीविका से मैं इस तरह जुड़ी हूँ क्योंकि अखबार में आई थी स्वयं रोजगार आरसीटी की 12 की तरफ से, तो फिर मैं सवाई माधोपुर आरसीटी में बुलाया गया मुझे आई में। फिर यहाँ से मुझे है ना बावन बात उसके लिए ले गए महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए। फिर मैंने सर से बात करी कि मेरे गांव में भी काफ़ी महिलाएं गरीब है, तो हम किस तरह समूह में जुड़े। फिर हमारे यहाँ टीम आई, मैंने अपने यहाँ टीम रखी, तो फिर हम भी समूह में जुड़े हैं और मैंने भी समूह बनाए और काफ़ी प्रॉपर हमारे गाँव की महिलाओं को काफ़ी हेल्प मिली है समूह जुड़ने के बाद, और हमें भी काफ़ी हेल्प मिली है समूह जुड़ने, हमारी गरीबी दूर हुई है समूह से जुड़ने से। और समूह के फिर मतलब महिलाओं किसी को रोजगार भी मिलता है, हम मुझे भी रोजगार मिला है। रोजगार इस देश से मिला है कि मैं प्रोजेक्ट जो बिके हैं अब मेला में बिक रहे हैं, महिलाओं द्वारा बिकते हैं। और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी है? हाँ, 52 ट्रेनिंग दी मैंने। और जो स्कूलों में बच्चों को हॉबी क्लास चलाती थी मैं, बच्चों को हॉबी क्लास में मैंने ये हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी है। हैंडीक्राफ्ट में मैं डॉयल वगैरह, जूट के आइटम, टेडी बियर, मैक्रोन के धागे के आइटम और काफी तरह के सिखाती थी बच्चों को स्कूलों में। अब भी मैं ना सिखाती हूँ, महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ और स्कूल में भी मेरे लिए ऑफर आता है सिखाने के लिए। अब मैं ये चाहती हूँ मेरा कारोबार अच्छा बने और इतना प्रॉफिट हो कि मेरे बच्चों के, बच्चे छोटे थे अब तो खैर पढ़ लिख के थोड़े बड़े हो गए, लेकिन बस यही चाहती हूँ कि बस ये पढ़ लिख के इनकी नौकरी लगे, इन्हीं के लिए मैं अपनी मेहनत करती हूँ बस। आपने